अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। मेराल से हमारे संवाददाता विवेकानंद चौबे की रिपोर्ट। गढ़वा जिला मनरेगा कर्मियों की बैठक सोमवार को मेराल प्रखंड के मेराल पश्चिमी पंचायत सचिवालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें जिला मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंडों के बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी शामिल हुए। जयराम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के उत्तराध में 15 सदस्यीय जिला स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में उपस्थित मनरेगा कर्मी खलील अंसारी, आसिक हुसैन, नवीन कुमार मिश्रा, दामोदर कुमार, सतेंद्र पासवान, अनूप कुमार भारती, शरमन कुमार इत्यादि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा कर्मियों की अपेक्षा की जा रही है। काम के अनुरूप ना तो मानदेय मिलता है और ना ही सरकारी कर्मियों की तरह अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। उपस्थित लोगों ने सरकार के मनरेगा कर्मियों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित मानदेय तथा सरकारी कर्मियों की तर्ज पर अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। बैठक में उत्तराध में 15 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बसंत सिंह अध्यक्ष बनाए गए। इसके अतिरिक्त शिव शंकर राम, रोहित शुक्ला एवं हासिम अंसारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। उदय प्रसाद सचिव, प्रमोद कुमार उप सचिव, डिंपल कुमार कोषाध्यक्ष बनाए गए, जबकि आशा नंद राम को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त राकेश कुमार को महामंत्री, सत्येंद्र पासवान, आलोक तिवारी तथा सत्येंद्र दास को मीडिया प्रभारी, जयराम कुमार को जिला प्रवक्ता, अभिमन्यु तिवारी को संगठन का संरक्षक तथा प्रेम कुमार राम को संगठन मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी गई। बैठक में प्रकाश कुमार पांडे, लव कुमार पांडे, अमित कुमार तिवारी, आत्माराम, गुलजार अंसारी, मनोज कुमार, पंकज कुमार सिंह, शशि कुमार, सुरेंद्र कुमार, चंद्रशेखर चौबे, सुमन कुमार, राजीव कुमार, दयानंद प्रजापति, विनय चौबे, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, शेख अब्दुल हक, राजा राम पांडे इत्यादि लोग उपस्थित थे।